नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। 17 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर हुई बैठक। डीएम ने 10 जुलाई तक कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। गरीबों की हकमारी कर सरकारी अनाज की कालाबाजारी करते सरपंच, पति सहित दो गिरफ्तार। डीलरों में मचा हड़कंप। प्रमंडलीय सभागार में रोगी कल्याण समिति की हुई बैठक। आयुक्त वंदना किन्नी ने मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे भागलपुर। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी। और भाजपा की ओर से जिला कार्य योजना बैठक का हुआ आयोजन। भू राजस्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं को दिया एनडीए की जीत का श्रेय। और अब खबरें विस्तार से। 17 जुलाई से विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला का शुभारंभ होने के साथ ही देश के विभिन्न राज्यों से कांवरियों के आने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मेला प्रारंभ होने से पूर्व प्रशासनिक स्तर पर की जाने वाली तैयारियों को लेकर गुरुवार को सुल्तानगंज यात्री धर्मशाला में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सामान्य प्रशासन के साथ साथ SSP आशीष भारती और रेल प्रशासन के अधिकारी मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने की। इस दौरान डीएम ने विद्युत विभाग, PHED विभाग, स्वास्थ्य विभाग और बाढ़ नियंत्रण इकाई को मेला से पूर्व 10 जुलाई तक सारी तैयारी पूरी कर लेने का निर्देश दिया। वहीं SSP आशीष भारती ने मेला के दौरान बेहतर ट्रैफिक व्यवस्था, पार्किंग, पूरे मेला क्षेत्र में हाई क्वालिटी के CCTV कैमरा से निगरानी की व्यवस्था करने, गंगा घाट और मेला क्षेत्र में पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था रहने की बात कही। बैठक के दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों को 15 MW बिजली आपूर्ति करने, स्वास्थ्य विभाग को डॉक्टर और एम्बुलेंस की व्यवस्था करने, नगर परिषद को साफ सफाई की व्यवस्था और PHED अधिकारियों को पानी की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर DDC सुनील कुमार, नगर परिषद सभापति दयावती देवी, BDO, CO सहित जनप्रतिनिधि और ग्रामीण मौजूद थे। कांवरिया लोगों को किसी भी तरह के कष्ट और किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े, इसकी पूरी व्यवस्था हम लोग करेंगे कि वो एक अच्छी सोच के साथ यहाँ से जाएं और यहाँ की यादगार लेकर जाएं कि यहाँ के लिए सभी सुविधाएं और सभी समस्याओं का समाधान उनका यहाँ हो, इसकी किसी भी तरह का कष्ट परेशानी नहीं करें। सरकार द्वारा गरीबों को मिलने वाले सस्ते अनाज की कालाबाजारी थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस अनाज पर समाज के गरीबों का हक होता है, उसका अवैध कारोबार कर डीलर खुलेआम मोटी रकम कमा रहे हैं। ताजा मामला भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र के सहजंगी पंचायत का है, जहां बुधवार को अनाज के अवैध कारोबार में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अनाज की कालाबाजारी करने वाले सहजंगी पंचायत के सरपंच पति मोहम्मद चुन्ना और ई रिक्शा चालक मोहम्मद जाहिद को रंगे हाथ धर दबोचा। इसके बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्त को गिरफ्तार कर हाजत में बंद कर दिया। पुलिसिया पूछताछ में दोनों ने अनाज के अवैध कारोबार की बात स्वीकार कर ली और बताया कि इसके पूर्व भी अनाज की कई खेप विभिन्न स्थानों पर खपाई जा चुकी है। दरअसल हबीबपुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि सहजंगी पंचायत से ई रिक्शा द्वारा सरकारी अनाज की खरीद फरोख्त हो रही है। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और थाना प्रभारी शहजाद हुसैन के नेतृत्व में SI शमसुल हौदा ने दलबल के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए सहजंगी से अंबे ले जा रहे अनाज को मोहिब अली चक चौक के समीप जब्त कर लिया। वहीं MO ने डीलर के खिलाफ थाना में FIR दर्ज करा दिया। FIR दर्ज होते ही हबीबपुर पुलिस ने कागजी प्रक्रिया पूरी कर दोनों अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। SI शमसुल हौदा ने कहा कि अवैध कारोबारियों पर पुलिस की पैनी नजर है। महावेली चक के पास जो है टोटो रिक्शा आ रही थी, उसी के दौरान जो है गुप्त सूचना मिली थी, उसके आधार पर सत्यापन के लिए गए हुए थे। सत्यापन के दौरान जो है टोटो इस नंबर का मिला, जिसे ज्ञात हुआ कि इस पर जो है कुछ लदा हुआ है, लेकिन सत्यापन के दौरान जो है 6 बोरे प्लास्टिक के बोरा में अरवा चावल पाया गया। उसके बाद अरवा चावल को अतिथि देखते हुए टोटो को थाना लेकर गया चालक के साथ। फिर चालक को यहाँ थाना आने के बाद जो है उसकी पूछताछ किया गया। अभी तो क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी तो जेल भेज रहे हैं।
भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय कक्ष में आयुक्त वंदना किनी की अध्यक्षता में रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अस्पताल के सभी आईसीयू में मल्टी पारा मॉनिटर सेंट्रलाइज मॉनिटरिंग सिस्टम की खरीदारी करने, आईसीयू बेड चार्ज 200 रुपए से बढ़ाकर 1000 करने, रक्त अधिकोष के लिए 40 डिग्री सेंटीग्रेड ब्लड बैंक फ्रीज की खरीदारी करने, फायर सेफ्टी में NOC प्राप्त करने, अस्पताल के आसपास वृक्षारोपण करने और अतिक्रमण मुक्त करने के साथ बायोमेडिकल इंजीनियर की नियुक्ति करने को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई। इस दौरान आयुक्त ने अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर RC मंडल से कई जानकारियां ली और साफ सफाई समेत रोगियों की सुविधा के लिए आवश्यक उपाय करने के निर्देश दिए। बैठक में अस्पताल उपाधीक्षक डॉक्टर असीम कुमार दास, IMA अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार, गायनोकोलॉजी और मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर KD प्रभात समेत समिति के कई सदस्य मौजूद थे। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार गुरुवार को पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा के साथ पटना जाने के क्रम में भागलपुर पहुंचे, जहां जदयू कार्यकर्ताओं ने भागलपुर के सर्किट हाउस में मंत्री श्रवण कुमार और लोकसभा चुनाव में दोबारा निर्वाचित हुए सांसद संतोष कुशवाहा का अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही आवास एवं शौचालय निर्माण योजना से संबंधित कई जानकारी दी। मंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना और लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत सभी को आवास और शौचालय की सुविधा मुहैया कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 2019 तक बिहार को खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि 2022 तक सभी का अपना घर हो और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार तेजी से कार्य कर रही है। साथ ही कहा कि सरकार सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराएगी और सामाजिक आर्थिक जनगणना के अनुसार सभी जाति के लोगों को योजना का लाभ मिलेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश कुमार ओझा, सुड्डू साई समेत कई जदयू कार्यकर्ता मौजूद थे। सचमुच जिसका पुरुष का घर है, जिसका टट्टी और प्लान का घर है, उसका नहीं बना और बाकी लोग का बन रहा है, उसके मन में भी तरह तरह की बात पैदा हो रही है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक निर्देश दिया विभाग से कि जितने लोग छूटे हुए हैं उनका नाम ग्राम पंचायत ग्राम सभा बुला करके उसको जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद वो सरकार को भेजेंगे प्रस्ताव, ग्राम पंचायत भेजेगा प्रखंड को, प्रखंड भेजेगा जिला को और जिला भेजेगा राज को और राज भेजेगा दिल्ली को, केंद्र को हम लोग भेजेंगे। जैसे ही वहाँ से स्वीकृति मिल जाएगी वैसे उनका घर भी बनना शुरू हो जाएगा। भागलपुर के जवारीपुर स्थित विवाह भवन में भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत आभार सह जिला कार्य योजना बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर वंदे मातरम गीत से हुई। इस दौरान कार्यकर्ताओं को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शामिल हुए बिहार सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने लोकसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत का श्रेय पार्टी के कार्यकर्ताओं और कुशल नेतृत्व को दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाई। बैठक को संबोधित करते हुए लोकसभा प्रभारी कुमार प्रणय ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह द्वारा दिए गए लक्ष्य को हासिल करने में पार्टी सफल रही और इसका उदाहरण NDA की जीत है। उन्होंने कहा कि 13 से 16 जून तक मंडल की बैठक, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 23 जून को श्यामा प्रसाद बलिदान दिवस और 25 जून को आपातकाल की वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस अवसर पर MLC डॉ NK यादव, उप महापौर राजेश वर्मा, डॉ प्रीति शेखर, दिलीप निराला, अभिनव सिंह, रोशन सिंह समेत काफी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। नगशिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र सैदपुर के गोदियारी गांव में 400 रुपए और चांदी के आभूषण चुराने के आरोप में ग्रामीणों ने 3 बच्चों को बगीचे में ले जाकर पेड़ से बांध दिया और लाठी डंडे से जमकर तीनों की पिटाई कर डाली। इस बीच तीनों बच्चे चीखते चिल्लाते रहे, लेकिन भीड़ मूक दर्शक बनी रही। इसके बाद गोपालपुर पुलिस को घटना की सूचना मिली, वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों बच्चों को मुक्त कराया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गांव के ही बबलू मंडल के घर से 400 रुपए और चांदी के आभूषण की चोरी मंगलवार को हुई थी। चोरी होने के शक में तीनों बच्चों से सख्ती से पूछताछ की गई, जिसमें बच्चों ने चोरी करने की बात स्वीकार करते हुए सभी सामान वापस लौटा दिया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने मानवता को शर्मसार करते हुए तीनों बच्चों को पेड़ से बांधकर जमकर पीटा। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए Silk TV।
किसान अगरबत्ती परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद। किसान अगरबत्ती धरती पर जले आकाश तक महके। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। आइए देखते हैं अगली खबर। कहलगांव में बढ़ते अपराध को लेकर गुरुवार को एसडीपीओ मनोज कुमार सुधांशु ने अनुमंडल के सभी थाना अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान एसडीपीओ ने थानावार लंबित कांडों की समीक्षा की और इसके निष्पादन को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए। एसडीपीओ ने हाल के दिनों में हुई घटनाओं की जानकारी ली और फरार अपराधियों की गिरफ्तारी, क्षेत्र में नियमित गश्ती करने और सघन तलाशी अभियान चलाने का निर्देश दिया। बैठक में सनोखर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार, सन्हौला थाना अध्यक्ष ब्रजेश कुमार, कहलगांव थाना अध्यक्ष गजेंद्र कुमार, घोघा थाना अध्यक्ष शंभू कुमार पासवान और रसलपुर थाना अध्यक्ष हरेंद्र कुमार मौजूद थे। लंबित कांडों की समीक्षा की जा रही है। वरीय पदाधिकारियों के निर्देशन अनुसार मंडल में लंबित कांड संख्या बढ़ रही है, तो उसको कम करने के लिए गिरफ्तारी के निर्देश दिए गए हैं और टोकरी जब्त के निर्देश दिए गए हैं ताकि कांड निष्पादित हो सके। रेल मंत्रालय की ओर से यात्री सुरक्षा के दावे तो बहुत किए जाते हैं, लेकिन इन दावों की हकीकत कुछ और ही है। ट्रेनों में साफ सफाई के नाम पर निजी कंपनियों के द्वारा यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और यह कंपनियां रेल मंत्रालय को सफाई के नाम पर लूट रही है। लंबी दूरी की ट्रेनों में साफ सफाई के नाम पर जो प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है वह बहुत ही घटिया और मिलावटी होता है, जिससे कि यात्रियों में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। प्रोडक्ट ओडोनिल, हैंड सॉप, बाथरूम क्लीनर सहित सफाई के नाम से आने वाले सामान में मिलावट की वजह से कई यात्री इन्फेक्शन के शिकार हो चुके हैं। सिल्क टीवी की टीम ने जब लंबी दूरी की ट्रेनों का जायजा लिया तो सारे सामानों में मिलावट पाई गई। वहीं जब सफाई कर्मियों से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुन लें। अभी हम लोग डिब्रूगढ़ दिल्ली ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैं और आपको मैं सीधा ले चल रहा हूँ सिल्क टीवी के माध्यम से। सीधा आपको रूबरू करा रहा हूँ कि ट्रेन में जो सामान जो यूज़ हो रहे हैं वो सारे के सारे डुप्लीकेट प्रोडक्ट हैं, पानी मिले हुए हैं और हम आपको इनसे बात भी करा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं किस तरह से ये जो प्रोडक्ट है, जो सामान है, ये आम आदमी की ज़िंदगी से खेला जा रहा है सीधा सीधा। किस कंपनी से हैं आप, कंपनी का नाम बताइए। ये देखिए, ये बोल नहीं पा रहे हैं, ये दिल्ली की कंपनी है और कौन सी ट्रेन है ये? ब्रह्मपुत्रा। कौन, ट्रेन नंबर बताइए। 1405। ये जो सामान है ये सही है? वापस दिया हम लोग, जो दिया वही यूज कर रहे हैं। ये पूरा पानी मिला हुआ सामान है, आप देख पा रहे हैं इसमें पानी है कि नहीं है। ये पूरी तरह से आम आदमी के ज़िंदगी से खेलने का काम ये कंपनी पूरा रेल डिपार्टमेंट कर रहा है और आपको मैं सीधा ले चल रहा हूँ जो बाथरूम के पास जो ये सामान है पूरी तरह से आप देख पा रहे हैं पानी मिला हुआ है। पूरी तरह से पूरे सामान के अंदर में पूरा पानी मिला हुआ है और उसके बावजूद भी कोई शुद्ध लेने वाला नहीं है, इससे इन्फेक्शन हो रहा है, लोगों की ज़िंदगी से खेला जा रहा है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षक और कर्मचारियों को अब कोर्ट का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साह और रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह संयुक्त रूप से मामले के निष्पादन में जुट गए हैं। रजिस्ट्रार ने बताया कि 10 माह पूर्व हाईकोर्ट में 794 मामले पेंशन प्रमोशन और एरियर को लेकर दर्ज थे, लेकिन इन मामलों का तेजी से निपटारा किया जा रहा है। रजिस्ट्रार ने कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट में 235 केस बचे हैं जिसका निष्पादन जल्द कर लिया जाएगा। अभी तकरीबन 550 केसेस हो चुके हैं, हमारे पास मोर देन 750 केसेस थे और पिछले महीने तक हमारे पास सिर्फ 235 केस रह गए हैं और इसमें पेंशन से रिलेटेड है, सर्विस मैटर है, प्रमोशंस है, मिसलेनियस है, ये सारे केसेस CWJC और MJC केसेस थे और तकरीबन 550 केसों को सभी हमारे जितने स्टाफ हैं, सबॉर्डिनेट सेक्शंस हैं, हमारे पेंशन हैं, क्लेम है, ऑडिट है, एस्टेब्लिशमेंट है, लीगल सेक्शन है, जनरल सेक्शन है, सारे इट इज़
और कुलपति महोदय का भी बहुत हमें से उनका मार्गदर्शन रहा है और सभी Everybody has worked very hard. नगशिया में जाम की भयावह स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिदिन लगने वाले जाम के कारण यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने में लंबा समय बर्बाद करना पड़ रहा है। वाहनों की लंबी कतार और ओवरटेक के कारण जाम की समस्या बनी हुई है। वहीं जाम के कारण नगशिया की लाइफ लाइन सड़क पूरी तरह से जाम हो गई है, जिसके कारण रेलवे पूर्वी केबिन के समीप रेलवे ट्रैक पर ट्रक और ट्रैक्टर खड़ा हो गया। इसी बीच राजधानी ट्रेन आ गई, जिसके बाद रेलवे ट्रैक पर अफरा तफरी मच गई। स्लाइड बूम फाटक नहीं लगने के कारण गेटमैन ने सूझबूझ दिखाते हुए लाल झंडी दिखाकर राजधानी ट्रेन को दूर में ही रुकवा दिया, जिसके बाद स्लाइड बूम लगाने के बाद ट्रेन को पास करवाया गया। तेज नारायण बनेली महाविद्यालय ने BCA में नामांकन की सूची जारी कर दी है। सत्र 2019-22 के पहले सेमेस्टर के लिए अलग अलग कोटी में 100 छात्रों का चयन किया गया है। BCA के कोर्स कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने बताया कि चयन सूची के आधार पर 18 जून तक दाखिला लिया जाएगा। सबसे ज्यादा छात्रों का चयन सामान्य कोटी में किया गया है, जबकि SC कोटी में सबसे कम छात्रों का चयन हुआ है। सामान्य कोटी में 50 छात्रों का चयन किया गया है, जबकि ST कोटे में 1 छात्र का चयन हुआ है। वहीं BCA विभाग के सहायक शंभु कुमार ने कहा कि नामांकन लेने वाले छात्रों को पहली बार ₹11,500 नगद जमा करना होगा। नगशिया नगर पंचायत कार्यालय में शिविर के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना में चयनित लाभुकों के बीच कार्ड का वितरण किया गया। नगर अध्यक्ष प्रीति कुमारी, कार्यपालक पदाधिकारी संजीव कुमार सुमन और सामाजिक कार्यकर्ता प्रेम सागर यादव ने 107 लाभार्थियों को आवास योजना के तहत कार्यादेश निर्गत किया। अध्यक्ष प्रीति कुमारी ने कहा कि कुल 344 लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि तीसरे चरण में 570 लाभुकों को योजना का लाभ दिया जाना है। आवास योजना में लाभार्थियों को प्रथम किस्त में 383 कुल लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ अभी तक दिया जा चुका है। साथ ही आज द्वितीय चरण के में 344 लाभार्थियों को आवास योजना का लाभ दिया जाना था, जिसमें 107 लाभार्थियों को कार्यादेश निर्गत किया गया एवं बचे हुए बाकी लाभार्थियों को कागजात उपलब्ध कराने के संदर्भ में बोला गया और कागजात उपलब्ध हो जाने के बाद उन्हें आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही तृतीय चरण में लाभार्थियों को 570 लाभुकों को आवास योजना का लाभ दिया जाना सुनिश्चित हुआ है। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस स्पॉन्सर्ड बाय भागलपुर सिटी डेवलपर्स। 17 जुलाई से शुरू होने वाले विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर हुई बैठक, DM ने 10 जुलाई तक कार्य पूरा करने का दिया निर्देश। गरीबों की हकमारी कर सरकारी अनाज की कालाबाजारी करते सरपंच पति सहित 2 गिरफ्तार, डीलरों में मचा हड़कंप। प्रमंडलीय सभागार में रोगी कल्याण समिति की हुई बैठक, आयुक्त वंदना किन्नी ने मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के दिए निर्देश। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार पहुंचे भागलपुर, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की दी जानकारी। और भाजपा की ओर से जिला कार्य योजना बैठक का हुआ आयोजन, भू राजस्व मंत्री ने कार्यकर्ताओं को दिया NDA की जीत का श्रेय। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।